Hi, this is Mann and welcome to my 6B Shredder program. What's up guys, this is 6-week Shredder program. Aaj hai week 1, day 3. Aur aaj hum karenge cardio and upper abs. Cardio mein hum karenge high intense interval training. Aur uske saath upper abs, same exercise jo humne day 1 mein ki thi. Aap high intense interval training cardio ka calendar groomon.com/6-week-shredder se download kar sakte hain. And also make sure you guys following a proper workout nutrition plan jo maine aapke liye banaya hai. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे चेक आउट द लिंक्स बिलो फॉर द वीडियोस. ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट डे 3 एक्सरसाइजेस. सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मान फ्रॉम 6-week Shredder program. आज हम लगा रहे हैं हाई इंटेंस इंटरवल कार्डियो. आज हमारा इंटरवल कार्डियो ट्रेनिंग डे है और हम 20 मिनट्स कार्डियो करेंगे. रेगुलर कार्डियो और हाई इंटेंस इंटरवल कार्डियो में डिफरेंस ये है कि इंटरवल कार्डियो में आपकी बॉडी फैट को टैप करती है और जो रेगुलर कार्डियो है जो 30 मिनट 40 मिनट्स और 60 मिनट लगाते हैं उसमें आपकी बॉडी मसल को ब्रेक करती है. जिस तरह से जो मैराथन रनर होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक भागते हैं और आप देख सकते हैं कि जो मसल मास है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक भागने से आपके जो मसल है वो ब्रेक होते हैं. और वहाँ पर आप स्प्रिंटर को देखें जो 100 मीटर 400 मीटर 200 मीटर एथलीट्स है उनके मसल मास काफ़ी ज़्यादा होता है, रिप्ड होते हैं, बिग होते हैं, स्टिल उनका मसल कम नहीं होता क्योंकि वो स्प्रिंट में जाते हैं. उनकी बॉडी उनका मेन बॉडी होता है स्प्रिंट में जाना. स्प्रिंट मतलब आप 20 सेकंड 30 सेकंड तक भागना विच इज़ वेरी इफेक्टिव. तो हम यहाँ पर स्प्रिंट लगा रहे हैं. हमारा प्रोग्राम है 20 मिनट्स वर्कआउट. सो पहले 5 मिनट हम वार्म अप करेंगे, उसके बाद 10 मिनट की हम स्प्रिंट लगाएंगे, उसके बाद लास्ट 5 मिनट हम कूल डाउन करेंगे. सो इस ट्रेडमिल के ऊपर आपकी स्पीड जो है, पहले 5 मिनट आपने 2.8 माइल्स की स्पीड पर रन करेंगे और जो आपने स्प्रिंट लगानी है आपने 10 स्प्रिंट लगानी है टोटल 10 टाइम्स. सो आपने 30 मिनट स्प्रिंट लगानी है और 30 मिनट रिकवरी. राइट, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाएंगे. सो हर एक टाइम आप अपना टाइम अप कर सकते हैं. आप 6 माइल से शुरू करेंगे, उसके बाद 6.5 माइल 7 माइल 7.5 माइल 8. सो आप 10 स्प्रिंट लगाएंगे और हर एक स्प्रिंट में आप 0.5 माइल जो स्पीड है अप करेंगे और 30 सेकेंड ऑन 30 सेकेंड ऑफ. हम बताता हूँ कैसे शुरू करेंगे. पहले 5 मिनट वार्म अप.
from 6 week shredder program, but aaj hum train kar rahe hain abs. Aur abs mein aaj hum train karenge upper abs and external obliques. Iska superset lagayenge. So sabse pehle main aapko abs ki information dunga. Abs ke andar isko kehte hain rectus abdominum, jiske andar upper abs and lower abs होते hain. Jo 6 pack, 8 pack jo aap karenge. Uske baad hamari jo another muscle obliques, external obliques and internal. External obliques जो है, तो यहाँ से external obliques और internal obliques जो है, वो अंदर से reverse traction पर जाते हैं. So external and internal, so हम दोनों को exercise भी करेंगे. और उसके बाद ये abs upper and lower, जैसा और rectus abdominum, जो line जिसके अंदर जा रही है यहाँ से, ये linea alba. So इसका जो separation करता है muscle. उसके बाद हमारा फिर यहाँ से transverse जो मसल है जो बैक के साथ इन्वॉल्व है शीट है अपने एब्स के ऊपर. और यहाँ पर नजर मसल है थ्री फिंगर मसल आप देख रहे हैं तो ये है स्ट्रैटस और इंटरकोस्ट अनदर मसल है स्मॉल मसल एक फैमिली है यहाँ पर हमारे एब्स की. सो हमें सभी को ट्रेन करना है रेक्टस एब्डोमिनल अपर लोअर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक्स इंटरकोस्टल एंड स्ट्रैटस एवरीथिंग ऑल टुगेदर 6 डेज अ वीक अपर then lower, then upper, then lower. इस तरह से हम every other day वाले को एक्सरसाइज करते हैं. हमें कोशिश करना है एब्स को ज़्यादा ट्रेन करें क्योंकि ये आपकी वीकनेस है. हमने वीकनेस को अपनी तरह हावी नहीं होने देना. हमें कोशिश करनी है कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए. और बाकी मसल जो है उसको आप वंस अ वीक ट्रेन कर सकते हैं. बिगर मसल दीज आर लेयर ऑफ शीट्स जो एब्स के अंदर है इसको समझने की जरूरत है आपको. जितनी आपकी बॉडी फैट कम है एब्स की जो हम पहली एक्सरसाइज लगाएंगे वो सुपर सेट है अपर एब्स की और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स का. सो हम लगाएंगे यहाँ पर इंक्लाइन क्रंचेस टिपिकली बेसिक है लेकिन हम वेट के साथ लगाएंगे तो लगाएंगे रेजिस्टेंस ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसके साथ हम लगाएंगे इंक्लाइन ट्विस्ट ताकि हम जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स है जो हमारी फ्रेम है यहाँ का एक्सटर्नल ऑब्लिक्स जो हमारे इस एब के एब्स के साथ कनेक्ट करती है और अपने एब्स को और अच्छा बनाती है. होना डू द एक्सरसाइज द सुपर सेट. तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज. पहली एक्सरसाइज यहाँ पर मेरे पास बेंच है. इट्स डी क्लाइन बेंच. सो डी क्लाइन बेंच के ऊपर हम थोड़ा रेजिस्टेंस डालेंगे क्योंकि वेट और प्लेट जो भी आपको अच्छा लगे आप ग्रैब कर सकते हैं इसके साथ. सो हमारा जो फोकस है वो अपर एब्स के ऊपर है कि हमें पूरा अपना माइंड मसल कनेक्ट करें. पहले मैं आपको फॉर्म बताता हूँ कैसे लगाएंगे. सो हम पहली एक्सरसाइज में हम लगा रहे हैं डी क्लाइन क्रंचेस और ये हमारा बेंच जो है वो डी क्लाइन पोजिशन पर होना चाहिए. और उसके बाद हमारा जो टोटल फोकस है इसमें वो एब्स के ऊपर होंगे. इंटायर फोकस हमारा जो कि हमारी अपर एब्स है उसके ऊपर होना चाहिए. तो यहाँ पर जो आपका पूरी बॉडी आप कोशिश करेंगे आपकी जो बैक है वो बेंच के ऊपर रहे. आपने पूरा फुल सेटअप नहीं लगाना आपने क्योंकि एब का सबसे बड़ी बात है इट्स अ स्मॉल रेंज ऑफ मोशन. सो आपने स्मॉल रेंज ऑफ मोशन पर ट्रेन करना है. लेट्स से बैक है ना. सो मेक श्योर यू ब्रीथ आउट. ब्रीदिंग इज की. इट्स अ की टू बिल्ड एब्स. यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस डालूंगा इसके ऊपर लाइक दिस. और इस इंटायर फॉर्म में मेरी जो नेक है सब तरह खराब होनी चाहिए और उसके साथ मैं लोअर बैक को लिफ्ट नहीं करना. मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं डंबल की तरफ देखूँ और ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन. माय माइंड एंड मसल कनेक्शन यहाँ पर जरूरी है. सो इट्स ब्रीद आउट एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट. सो आपने इसके यहाँ 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं. अगर आप रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते नो प्रॉब्लम. आप बिना किसी वेट से आप लगा सकते हैं. डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर लेकिन वीक बाय वीक आप डंबल के वेट को इंक्रीज कर सकते हैं राइट. सो हम शुरू करते हैं. हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन क्रंचेस विद होल्डिंग डंबल एंड डेफिनेटली डंबल ऑल द वे अप आर्म स्ट्रेट एंड ब्रीथ आउट. शुरू करते हैं 20 रेप्स.
और सुपरसेट की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन ट्विस्ट। इंक्लाइन ट्विस्ट जो हमारा एक्सटर्नल फ्रेम है जो हमारा यहाँ से जा रही है, हम उसको ट्रेन करेंगे। और ट्विस्ट मतलब आप जो लोअर बॉडी लॉक अपर बॉडी ट्विस्ट करनी, कोशिश करना अपने फ्रंट, सो आपकी जो हेड मूवमेंट है वो साथ मूव नहीं करनी चाहिए, ओनली आपकी जो बॉडी है मिडल वही आपका ट्विस्ट करना चाहिए। ट्विस्ट में आप वेट ले सकते हैं, डंबल ग्रैब कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका लेवल, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप शुरू बॉडी वेट से करें बिना किसी इक्विपमेंट से। सो लीन बैक इंक्लाइन पोजीशन, ये ट्रेनिंग दिस इज इट। यहाँ पर आपका इंटरकोस्टल, सेरेटस एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स सारा एंगेज हो रहा है। और आपने क्वेश्चन था माइंड एंड मसल कनेक्शन, ट्राई टू यू नो मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन विद एक्सटर्नल ओब्लिक्स। सो शुरू करते हैं 20 ईच साइड। Breathe in, breathe out. When you're squeezing, breathe out, okay? पहले आप अपर एब्स को ट्रेन करें थे, अब वाइज यही फॉर्म है,
और हम साइड बेंड करेंगे, अपनी अपर बॉडी को रोटेट करेंगे और ये पोजिशन लॉक करनी है. That's it. तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेन हो रहा है मसल, दिस इज ऑल इंट्राकोस्टल स्ट्रेचेस एंड एक्सटर्नल ब्लीड्स. जो मेरा एंटायर साइड का रीजन है, जो रेक्टस अबडोमिनस के बाहर का मसल वो ट्रेन कर रहा है. और यहाँ पर आपकी बॉडी स्ट्रेट, ओनली जस्ट मूविंग योर बॉडी दिस एंड बेंडिंग. सो 15 टू 20 ईच साइड, देन आई मूव दिस साइड, विल ट्रेन अदर साइड. सो इट्स नॉट ऑल्टरनेट, एक इस तरफ आप नहीं लगाना, आपने कंप्लीट 15 20 दिस साइड एंड देन टर्न योर बॉडी एंड देन विल डू दिस साइड. Standing row side crunches for the external obliques. सबसे पहले आप रोप को राइट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड आप अपना हिप पर रखेंगे और फिर उसके बाद आपका राइट हैंड और राइट एल्बो नीचे आएगी और आपका लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट शोल्डर अप रहेगा.
इस इंटायर एक्सरसाइज में आपका फोकस ऑब्लिक्स पर होना चाहिए एंड मेक श्योर यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज की है क्या कर रहे थे हम, सो बहुत स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है, हम अपना माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं इस मसल के साथ ताकि हम इसी मसल को जो हमारी ओब्लिक्स है, इंटरकोर्स को, स्ट्रेचर्स, सभी को ट्रेन कर सकें। और आपका जो इंटायर इस एक्सरसाइज में आपका जो फोकस है वो आपकी एब्स की तरफ होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं। और आप वेट भी पर इतना ध्यान ना दें और अपनी कोशिश करिए अपने बैक और अदर मसल को इसके साथ इन्वॉल्व ना होने दें, क्योंकि ये टोटल एक फैमिली है एब्स की, रेक्टस अबडोमिनल, इंट्राकोस्टल, स्ट्रैटस, ब्लीक्स एंड ट्रांसवर्स, इस मसल सारी एक फैमिली है, हम सारी फैमिली को ट्रेन करना है। और हमारा बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ शीट्स है इसके अंदर, सो हमें सभी को ट्रेन करना है ताकि सभी एक अटैच है, सो आप इनमें से कोई भी किसी एक को निगलेक्ट करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। निगलेक्शन नहीं करनी, स्कीम से कोई चांस होना नहीं चाहिए। और आप अपने सारे कोर को ट्रेन करें, आप 10-15 मिनट लगा सकते हैं अगर आप किसी प्रोग्राम को लगा रहे हैं उसके। हमारी सुपर सेट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड ट्विस्ट। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है लेकिन जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ रोटेशन के साथ है, डिफरेंट है जो आप लोग लगाते हैं। सो इसके लिए आप डंबल ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, कैटलबेल ले सकते हैं, कुछ भी लाइक 25 पाउंड से लेकर 45 पाउंड के अंदर। हमने यहाँ पर जो लगाना है जो डंबल हमारा है वो हम पीछे रखेंगे अपने थाइस के पास, और जो हमारी फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेटिंग अप स्क्वीज, इसका इंटायर फॉर्म है जो लोअर बॉडी है वो लॉक है। और आपका जो शोल्डर है जब नीचे जा रहे हैं शोल्डर आपका जो है वो स्मूविंग एंड आपका जो फ्रेम है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का वो रोटेट हो रहा है, रोटेशन and going down, coming back, squeezing. तो बहुत सिंपल, वेट इतना हैवी ना ले, राइट। सो आप बिना किसी वेट से अगर ट्राई कर सकते हैं, आप अपने इस एल्बो इस अपने हाथ को पीछे रखें, चेस्ट अप और गो डाउन लाइक दिस। सो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज।
हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है स्टमक वैक्यूम। ये सिर्फ ये एक्सरसाइज सारी हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट है, सारा सांस लेने और सांस छोड़ने की एक्सरसाइज है। इसका ना वैक्यूम, स्टमक वैक्यूम, हमने पूरी सांस अंदर खींचनी है और पूरी सांस बाहर छोड़नी है, और ये 10 times हमने करना है। लेकिन इसमें ये ट्रिक है, आपने पूरी सांस बाहर निकालने, जब निकालेंगे आपने अपने अपने आप ब्रेथ को होल्ड करना है 5 seconds तक, और उसके बाद आप छोड़ेंगे। और मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। आप जिस तरह से मर्जी पोजिशन आप खड़े हो, स्ट्रेट लाइक दिस, एंड देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड देन होल्ड फॉर 5 seconds लाइक दिस। लाइक जिस तरह से बाबा रामदेव करते हैं, आप भी मालूम बाबा रामदेव सांस अंदर खींचते हैं छोड़ते हैं, मालूम क्या करते हैं इसको, कपाल भार होती है। सो हमारा कोशिश है कि हमें पूरा सिस्टम बाहर छोड़नी है, तो हमारी जो सिस्टम है पूरी अंदर चली जाए। 5 seconds आपने होल्ड करना है, उसके बाद आपने फिर दोबारा नॉर्मल ब्रीद इन एंड देन अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो 10 times करेंगे। सो शुरू करते हैं, ये हम फिनिश जब एक्सरसाइज खत्म हो, सो लास्ट एक्सरसाइज फिनिश करने के लिए 3 sets आपने इसके लगाए। शुरू करते हैं, ब्रीद इन, ये फन एक्सरसाइज है, लेकिन आपने इससे साथ फिनिश यू करना है। इसको कहते हैं स्टमक वैक्यूम, आप इसको कह सकते हैं बाबा रामदेव वैक्यूम, टच ही नहीं है लेकिन सो ये आपकी अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक्स आपने ट्रेन की। हमें 5 exercises लगाई है, 4 exercises जो थी हमारी सुपर सेट की थी, 5th exercise जो हमने लास्ट लगाई थी वो है स्टमक वैक्यूम। और यहाँ पर आपने 6 abs ट्रेनिंग करनी है, नो मैटर व्हाट। एक दिन अपर है, एक दिन लोअर है, अपर लोअर की ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। आप अलग अलग मसल ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग डे। तो एब्स स्मॉल मसल है, 24 to 48 hours के अंदर रिकवर होता है, लाइक विदिन 48 hours। हम 48 hours का रेस्ट ले रहे हैं इस मसल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है स्मॉल मसल के लिए। और जो हमारे यहाँ पर फैट, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है, वो बर्न ऐसे ही होगी। रिकवर होते ही आपने ट्रेन करना है, आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, जिस तरह से हमें बैक लेग्स को हम ज़्यादा टाइम देते हैं रिकवरी के लिए, फिगर मसल रूप है। तो नेक्स्ट 72 hours, समटाइम 5-7 days इज वेल, डिपेंड करता है आप कितनी कैंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, आपका सेट क्या था, हैवी लोअर। तो यहाँ पर हमारी 20 रेपिटेशन थी हमारे हर एक्सरसाइज में, और इसलिए हम नॉर्मल ट्रेन कर रहे हैं। जो लोग एडवांस है वो 30 repetition लगाएं, और जो लोग बिगिनर है कोशिश करें 20 जरूर लगाएं। आप 10 seconds की ब्रेक ले सकते हैं इन बिटवीन, लेकिन आपका मिनिमम गोल 20 होना चाहिए। और मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ आफ्टर 28 days आप अपने ऐप देखेंगे श्योर, क्योंकि आप 6 days a week ट्रेन कर रहे हैं, तो आपने 24 days ऐप्स ट्रेन करने हैं एक मंथ में। आपने कभी वो ट्रेन नहीं की होगी, आई गारंटी यू, नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ ऐप ट्रेनिंग बिफोर, नेवर, क्योंकि आपने कभी 6 दिन ऐप्स कभी नहीं लगाए, किसी ने लगाए, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं 6 abs ट्रेन करता हूँ। लेकिन ये टेम्प्रेरी प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोग्राम। आप सालों साल तक ऐसा प्रोग्राम नहीं लगा सकते कि आप हर रोज 6 दिन एब्स हर हफ्ते हर महीने लगाएं, लोग इट्स नॉट परमानेंट प्रोग्राम। सो अपने 28 days से आप अपने बैक नॉर्मल रूटीन पर जाएंगे, लाइक 2x a week एब ट्रेनिंग जो होनी चाहिए। लेकिन 28 days के अंदर आपने इसको इससे मैसिव रिजल्ट लेने हैं, ताकि आप अपनी विजिबिलिटी जो एब्स की है वो आपको देखें, उसके बाद आप बैक
जो नॉर्मल लगा सकते हैं। जो भी लोग कंपीट करते हैं, जो फोटोशूट के लिए रेडी होते हैं, इनका लास्ट 4 वीक का जो प्रोग्राम है उसमें से आप एब्स वो 5-6 टाइम लगाते हैं, नॉर्मल कोई भी 5-6 टाइम नहीं लगाता। इसलिए यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस स्टफ, यू विल हैव फन एंड बिलीव मी दिस इज वर्थ फॉर। ऑल गाइस टेक केयर, ओवर एंड आउट।